राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण टीईटी एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है सातवें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, आज की सभी बड़ी खबर के बारे में बातें करने वाले हैं। सबसे पहले छठे चरण के बारे में देखने वाले हैं, उसके बाद सातवें चरण के बारे में बातें करने वाले हैं। छठे चरण को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापित, जल्द वेतनमान मिलने वाला है। छठे चरण के अंतर्गत 40,000 से अधिक शिक्षकों का चयन हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं दूसरी खबर की ओर। तो छठे चरण में 50,000 पद लगभग रिक्त रह गए हैं। इसके बारे में बातें कर लेते हैं, कैसे रिक्त रह गए हैं। तो सबसे बड़ा मामला है महिलाओं के आरक्षण के बारे में। तो महिलाओं के आरक्षण के कारण पद रिक्त रह गए हैं। कोटिवार आरक्षण है, 35% रिजर्वेशन है। इसके अलावा जो भी महिलाएं हैं वो जनरल में भी शिफ्ट कर जाते हैं, जिसके कारण सीटें रिक्त रह जाती हैं। तो ये भी कारण है। और इसके अलावा एससी एसटी रिजर्वेशन, तो ये सभी कोटि में भी रिजर्वेशन है, तो इन सभी के कारण पद रिक्त रह जाते हैं आरक्षण के कारण। अब आगे बात कर लेते हैं। तो 50,000 और कुल मिलाकर छठे चरण में 90,000 से अधिक पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ था छठे चरण में, क्लास 1 से 8 के शिक्षक के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं आप लोग जो देख रहे होंगे सातवें चरण के बारे में। तो सातवें चरण के बारे में देख लेते हैं। अब बहाली प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और कब से शुरू होगा, तो ये भी बातें हैं। तो शुरू की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं, तो 3 महीने आप लोग अब से मानकर चलें, 3 महीने। पिछले वीडियो में सभी जानकारी पर बातें किए हैं। तो 3 महीने यदि आप लोग मानकर चलें तो अगस्त में ज्यादा संभावना बन रही है, अगस्त में शुरू होने की संभावना बन रही है। तो क्या इस साल पूरी हो सकती है बहाली प्रक्रिया? तो इस साल पूरी हो सकती है, केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली है तो पूरी हो सकती है। लेकिन आप लोग जानते हैं केस भी लंबित हो जाते हैं, कई मामले लंबित होते रहते हैं। तो ज़्यादा चांस आप लोग मान कर चलें कि अगले वित्तीय वर्ष में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग और नियुक्ति पत्र का वितरण के बाद वेतनमान तो अगले वित्तीय वर्ष में ही मिलने की संभावना बन रही है। तब तक यदि बहाली प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाती है और 3-4 महीने चलते हैं, और इस बीच ये हो सकता है जो अगस्त से पहले तक रिक्तियों का आकलन हो जाए, रिकैलकुलेट हो जाए और फ्रेश रोस्टर क्लियरेंस हो जाए। और आप लोग जो भी अभ्यर्थी हैं तो अभी भी एक्टिव रहने की जरूरत है। आप लोग यह प्रयास कर सकते हैं कि बहाली प्रक्रिया तो इस साल शुरू होनी ही है सातवें चरण की, तो तब तक यह प्रयास हो कि रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं सूचित हों, खासकर कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की ज्वाइनिंग हो सके। सातवें चरण का विज्ञापन तो जारी होना ही है इस साल, तो ये भी बातें हैं। अगर अब आगे बात कर लेते हैं, कोई बड़ा मामला जैसे कि कोर्ट केस नहीं रहे, इस अनुसार से बात कर रहे हैं। और हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, तो इस अनुसार से बातें कर रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं आप लोग जो देख रहे हैं। तो 2017-19 बीएड सेशन का जो मामला है, तो सरकार चाहे तो 1 महीने में भी काम पूरा हो सकता है। और बहाली प्रक्रिया की बात करें तो शुरू हो सकती है, पहले भी शुरू हो सकती है 1 महीने में, जैसे कि विशेष चक्र का आयोजन कर दे सरकार। तो सभी बातें पहले ही बता दी हैं, सरकार पर डिपेंड करती है, वित्त मंत्री जी पर डिपेंड करती है, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी पर डिपेंड करती है, अपर मुख्य सचिव जी पर डिपेंड करती है। तो यही जानकारी है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।